सो हे गाइड वेलकम बैक टू वीडियो दिस इज आयुष एंड आज मैं आप लोगों के साथ में एक डिटेल वॉक अराउंड शेयर करने वाला हूँ ऑल न्यू 2020 ट्वेंटी की आ वन पॉइंट टू लीटर एच टी के प्लस वेरियंट का तो गाड़ी आप लोगों के सामने है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं की से और ये जो है इस टाइप का की फॉब इसके अंदर मिलता है ये देख सकते हैं नाइफ काइंड ऑफ की मिलती है इससे लॉक अनलॉक और इसको होल्ड करके रखूँगा तो बूट जो है रिलीज़ हो जाएगी वो मैं आपको पीछे चल के बताऊँगा अब एच टी के प्लस वेरियंट जो है वो क्यों अच्छा है लेने का प्राइस वगैरह आपको चेक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें आप जाके क्लिक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट का उस पर आपको सारी जो है प्राइस इसकी बता देंगे उसमें एच टी ई वेरियंट से लेकर टॉप एंड वेरियंट जी टी लाइन तक की सभी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको फ्रंट लुक में बता देता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल जो है हेलोजन बल्ब मिलते हैं लो बिम हाई बिम दोनों के लिए ही इंडिकेटर्स भी आपको जो है नॉर्मल हलोजन में ही मिलती है बट नीचे जो है ये प्रोजेक्टर असेंबली मिल जाती है पूरी फॉकलेम के लिए एंड क्रोम सराउंड और ये पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है वहीं टाइगर नोज ग्रिल और पास में जो क्रोम एशंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही है और फ्रंट लुक जो है वो गाड़ी का काफ़ी सोभर लग रहा है दिखने में अच्छा लग रहा है नीचे इसकी प्लेट्स दी हुई हैं एयर डैम्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं जिनमें से रेडिएटर जो है वो क्लियरली विजिबल है साइड पोर्शन की बात करते हैं आ जाते हैं ऊपर आपको किया का लोगों तो दिख ही गया था जो कि मेरे को हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ से इस पोर्शन को अगर देखते हैं साइड पोर्शन को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट जो है बॉडी क्लीडिंग दी गई है और ये प्रोटेक्ट करती है अगर आप कहीं खराब रास्तों में इसको लेके जाते हैं तो अपोलो के टायर्स यहाँ पर माउंट किए हुए हैं टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन सिक्सटी आर सिक्सटीन टायर्स एंड ये स्टाइल व्हील जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं साथ ही देख सकते हैं फ्रंट में इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं ये सॉफ्ट कंपाउंड टायर जो हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग्स ऑफर करेंगे बाकी आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्ड रिव्यू जो है वो दे चुका हूँ आई भी मैंने चला के बताई है डी जो है वो भी मैंने आपको चला के बताई है तो अगर आप चाहें तो उसके लिए आई बटन पर क्लिक करिए रिव्यूज देखिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ये जो ओ आर है वो बॉडी कलर मिल जाते हैं यहाँ पर एल टर्न इंडिकेटर्स माउंट है गाड़ी तो को लॉक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएंगे ओपन करूंगा तो ये जो है खुल जाएंगे वहीं बॉडी कलर जो है डोर हैंडल्स एंड साथ ही साथ ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में ये बी पिलर्स दिए गए हैं रूफ रेल्स ऊपर आपको दिए गए हैं बट यहाँ पर क्लियरली मैंशन है कि डू नॉट लोड यानी कि इसके ऊपर लोड जो है वो कैरी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक डिज़ाइन एलिमेंट को या लुक को एनहेंस करने के लिए जो है यहाँ पर ये आपको रूफ रेल्स मिलते हैं देखने को ग्लास एरिया देख सकते हैं पूरा ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के आसपास मिलता है मतलब इस ग्लास एरिया के आसपास और ग्लास एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा है रियर विंडो जो है खास करके काफ़ी बड़ी इसके अंदर दी गई है और अभी जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी को मैंने यूज़ नहीं करा अनलॉक करी थी और फिर ये ऑटोमेटिकली जो है ओवर आपके सामने अंदर चले गए हैं तो अब आ जाते हैं रियर साइड में यहाँ पर फ्यूल लीड दी गई है और पीछे से ये गाड़ी कैसे लगती है कुछ उस टाइप से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सॉनेट की बैजिंग दी हुई है यहाँ पे आपको ये जो टेल लैम्प्स हैं वो दिखने में तो बिल्कुल सेम है ये रिफ्लेक्टर्स हैं यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब ही मिलते हैं ऊपर स्टॉप माउंट लैम्प और यहाँ पर आप लोगों को शार्क फिन एंटीना मिल जाता है डी फोकस मिल जाता है तो ये सभी चीज़ें हैं बाकी कॉस्ट कटिंग करी है कंपनी ने यहाँ पर चार आपको देने चाहिए थे पार्किंग सेंसर्स बट यहाँ पर दो ही पार्किंग सेंसर्स हैं किया का लोगों और यहाँ पर दिया हुआ है कैमरा आई थिंक अब ये कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा कैमरा दिखाने के लिए अब इसको ओपन करके बताता हूँ बूट को तो मेरे को सिर्फ होल्ड करके रखना है और ये सेंसर मदद से इस बूट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ काफ़ी ऊपर तक जाता है और ये जो लाइट्स दी गई हैं ये नंबर प्लेट्स के लिए लाइट है एंड जो मैं सेंसर बता रहा था वो ये दिया हुआ है नीचे की तरफ देखें तो ये पे पार्शल ट्रे मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी है यहाँ पर तो तो मैगजीन न्यूज़पेपर वग़ैरह आप रख सकते हैं 392 लीटर का बूट स्पेस है जो कि काफ़ी बड़ा है चार लोगों का सामान तो आराम से इसमें आई जाएगा बट बूट की ये जो बोल सकते हैं फ्लोर है वो फ्लो थोड़ा नीचे की साइड है थोड़ा ऊपर होता तो अच्छा रहता है स्पैर व्हील मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे वन नाइन्टी फाइव जो है टायर साइज मिलती है और ये स्टील रिम दिए गए हैं एंड साथ ही यहाँ पर ये जो टूल किट रखा हुआ आपको दिख रहा है बाकी कोई लाइट वगैरह यहाँ पर नहीं गई दी गई है ये सिर्फ एक हुक यहाँ पर दिया हुआ है ऑल वेल well बस इसके अलावा और कुछ नहीं है बट हाँ आपको सीट फोल्ड अगर करनी है तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं एक तरफ से हटाना पड़ेगा फिर दूसरी तरफ से अनलॉक करके सीट को ये गिराई तो सिक्सटी फोटी सीट नहीं मिलती है पूरी हंड्रेड परसेंट जो है आपको ये सीट को नीचे गिराना पड़ेगा बूट को क्लोज़ करने के लिए बस ये बूट बंद हो गया एंड यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी को वापस से अनलॉक करना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट एंसर नहीं दिया गया है तो आपको की को ही यूज़ करना पड़ेगा एंड ये जो अलराम है वो काफ़ी जो है बोरिंग लगता है या बोल सकते हैं कि इरीटेट करने लग जाता है थोड़े टाइम बाद में पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के अंदर दिए हुए हैं नीचे आपको ये जो है बॉटल होल्डर मिल जाता है वन लीटर बॉटल यहाँ पर आराम से आ जाती है सीट मैंने आपको बताई फोल्ड करके ये पूरी सीट फोल्ड है और मैं इसको खड़ी कर देता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप की ये स्टिचिंग्स मिलती है और कुछ इस टाइप का ये जो फैब्रिक मिलता है ये काफ़ी अच्छा है जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल यहाँ पे नहीं है आपको पूरे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलते हैं आम रेस्ट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है नीचे ये जो फ्लोर हम्प है वो बहुत ही कम है तो कोई दिक्कत आपको जो है आएगी नहीं अगर बीच में किसी छोटे बच्चे को आप बिठा रहे हैं तो वो आराम से बैठ जाएंगे बाकी दो एडल्ट तो इसके अंदर बहुत ही कंफर्टेबल बैठ जाएंगे और सीट की लेंथ थोड़ी सी कम लगती है बट अगर आपकी हाइट 5.5 5.8 के आसपास भी है तो आप दिक्कत नहीं आएगी बट अगर आपकी हाइट फाइव से ज़्यादा है जैसे कि मेरी हाइट फाइव है तो काइंड ऑफ डैट मतलब इतना एरिया जो है आपको ये छूटेगा और प्रॉपर थाई सपोर्ट जो है आपको नहीं मिल पाएगा इस वेरियंट के अंदर आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है ये अच्छी बात है ट्वेल्व वोट का सॉकेट नहीं दिया डायरेक्ट यू दे दी है और यहाँ पर आप फ़ोन अपना रख के चार्ज कर सकते हैं आराम से ये जो एसी वेंट्स दिए गए हैं बट इनकी जो स्पीड है वो आप यहाँ से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं ये कौन मुझे यहाँ पर मिला ऊपर आपको जो है यहाँ पे लाइट मिल जाती है ये एक्चुअली गेट ओपन है तो अभी चालू है और आगे भी आपको लाइट मिलती है जो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर एक हैंडल मिलता है और इधर भी एक हैंडल मिलता है कोट हुक के साथ में फोकस ओके ये हुक मिल जाता है तो अब चलते हैं और आगे क्या क्या इसके अंदर आपको मिलता है वो सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं गेट को मैं क्लोज कर देता हूँ गेट से उतरना चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है थोड़ा सा जो मैंने रिव्यू में भी बताया था कि ये वाला एरिया कभी कभी आपको ऐसे लगेगा बट अभी एक बार गाड़ी आपके घर में आ जाएगी तो आपको उतरने की आदत हो जाएगी कि कैसे उससे उतरना है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आप लोगों को सारे पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाएंगे ओ आर आपको जो है फोल्डेबल और एडजस्टेबल मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर कॉइन होल्डर और नीचे बॉटल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस और भी मिलता है ये अम्ब्रेला का साइन यहाँ पर दिया हुआ है आई डोंट नो कि कौन सा अम्ब्रेला इसके अंदर आ जाएगा आई डोंट नो तो अगर आप लोगों को यह पता चले तो प्लीज़ मुझे बता देना ताकि आगे कोई सा दूसरा वेरियंट जब मैं रिव्यू करूँ तो उसमें मैं आपको बता सकूँ कि ये अम्ब्रेला वहाँ पर आएगा सीट जो है हाइट एडजस्टेबल है और यहाँ पे आप क्लियरली अच्छे से इस फैब्रिक को देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये फैब्रिक दिख रहा है और लुकिंग वाइज भी अच्छा है और कलर भी ऐसा दिया हुआ है कि ज़्यादा गंदा जो है अगर हो भी जाएगा तो दिखेगा नहीं तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है और अगर आप चाहें तो कवर लगा सकते हैं बट मैं चाहूँगा कि स्टॉक इसको यूज़ करें ज़्यादा मज़ा आएगा आपको नीचे ये तीन पैडल दिए हुए हैं और एक फुट रेस्ट भी मिलता है यहाँ पे ये फ्यूल लीड ओपन करने के लिए और यहाँ से बोनेट एक्सेस करने के लिए जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हेडलाइट लेवल्स का स्विच दिया हुआ है पावर स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है इसके अंदर आपको की जो है वो मैन्युअली इंसर्ट करनी पड़ेगी और कुछ इस टाइप का जो है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर मिलता है गेट में कर लेता हूँ बंद ओके तो ये देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं वो भले सबसे पहले बताता रहा हूँ तो यहाँ से आप इसको टोगल कर सकते हैं कई सारे इसके अंदर फ़ीचर्स दिए गए हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली सेट रिसेट जो है वो कर सकते हैं माइलेज वगैरह भी यहाँ पर बता रहा है बट ये गाड़ी खड़ी हुई है तो वो माइलेज के ऊपर आप मत जाइए जब आप चलाएँगे तो उसके अकॉर्डिंगली माइलेज अलग जो है आपको मिलेगा साइड में आपको यहाँ पर मिल जाता है फ्यूल गेज और नीचे टेम्परेचर मीटर यहाँ पर मिल जाता है आपको ये आर मीटर स्पीडो जो है डिजिटल में दिया हुआ है नीचे सारी वार्निंग लाइट्स जो है वो मिल रही है स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये काफ़ी प्रीमियम लगता है पकड़ने में अच्छा लगता है नो no डाउट ये सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है बट ये लेदर ऐप्ट स्टेयरिंग व्हील नहीं है जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलता है हॉर्न पैड यहाँ पर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है सारे मोड्स कंट्रोल्स वॉइस कमांड के फ़ीचर्स वगैरह जो कि ये एट इंच के टच स्क्रीन इन्फरटेनमेंट सिस्टम के लिए हैं राइट right साइड में आपको ये जो एम आई डी में कंट्रोल करके बताया था वहाँ के सारे फीचर्स दिए हुए हैं तो अब मैं इस गाड़ी को जो है ऑन कर लेता हूँ तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके फीचर्स बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स जो हैं वो मिलते हैं यहाँ से आप इसको टोगल कर सकते हैं और स्विचेस इसके अंदर दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छा है फिजिकल वॉल्यूम बटन इसमें मिल जाता है ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है ये सारी चीज़ें एंड यहाँ से आप जो चाहें उसके अकॉर्डिंग एपल कारप्ला एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स ब्लूटूथ यू वी ओ लाइट जो है वो सभी फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं तो ये सभी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डी आर वी एम का फीचर भी इसमें दिया हुआ है अभी ये पाक दे तो इसलिए नहीं बता रहा है बट चली की गाड़ी तो ये यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है तो फीचर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है साउंड इसका जो है मैं आप लोगों को लास्ट में इसके अंदर सुना देता हूँ कि साउंड जो है इस गाड़ी का कैसा है बिकॉज मैंने आपके टॉप एंड वेरियंट जो है बोस का स्पीकर जिसके अंदर आते हैं उसका तो इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है तो इंस्टाग्राम पे आके आप चेकआउट कर लेना इसका साउंड जो है मैं लास्ट में इस वीडियो के लगा के आपको सुना देता हूं यहाँ पे ये ए सी दिए गए हैं जिनकी नीचे की साइड में ये डिजाइन काफी अच्छी लगती है और ये स्विचेस अगर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो लगेंगे लगे इसे बड़े बड़े स्विच लगा दिए बट ये जब गाड़ी आप ड्राइव करते हो ना तो ये बहुत ही ज्यादा हैंडी होते हैं और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं तो किया को एक बिग थम्स अप इनके लिए कि जो स्विचेस की क्वालिटी है जिन्होंने भी स्विच को डिजाइन करा है वो बहुत ही सही है जब आप गाड़ी चलाते हो बहुत इजीली इनको आप ऑपरेट कर पाते हो तो ये स्विचेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और एक छोटी सी स्क्रीन भी आपको यहाँ पे मिलती है पार्किंग लाइट का स्विच यहाँ पर दिया हुआ है नीचे अगर बात करें तो ये 12 वर्ड का पावर आउटलेट यूएस और यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग का डायरेक्ट यूएस दी गई है यहाँ पे एक जगह है थोड़ी सी जिसपे आप फोन रख सकते हैं यहाँ पर भी अपना फोन रख सकते हैं ये फाइव स्पीड का मैनुअल गेयर बॉक्स टू कप होल्डर आर्म रेस्ट जो कि सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में है इसमें थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है ग्लोव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है थोड़ा बहुत सामान उसमें यहाँ पर रख सकते हैं ड्यूल एयरबैग इसके अंदर मिलते हैं और ये आपको नॉर्मल जो है मैन्युअली एडजस्टेबल आई आर जिसकी साइज़ काफ़ी अच्छी है और पीछे से जो ग्लास है उसको ये पूरा इसके अंदर कवर करता है यहाँ पर ऊपर आपको ये जो है दो लाइट मिलती है सन ग्लास होल्डर भी मिल जाता है इसके अंदर तो आई थिंक ये वैल्यू फॉर मनी वेरियंट दिख रहा है मुझे बिकॉज सभी चीज़ें काम की तो इसके अंदर मिल ही जाती है और कोई ऐसी चीज़ नहीं बच रही है जो इसके अंदर ना मिली इधर वैनिटी मिरर मिल जाता है ये इधर कार्ड होल्डर जो है सिर्फ वो दिया हुआ था बाकी हैंडल यहाँ पर भी दिया हुआ है तो दैट्स ऑल ये है किया सोनेट एच टी के प्लस गाड़ी को बंद करने से पहले ए सी ऑफ करिया करें और की को बंद करके मैं निकाल देता हूँ एंड अब चलता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ बूट किसका जो ये वन पॉइंट टू लीटर का इंजन है वो दिखने में कैसा लगता है यह है 1.2 लीटर इंजन जो कि आउट करता है 84 पीएस की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ई यूनिट माउंट किया हुआ है बाकी फ्लूड्स वगैरह के फीचर्स यहीं पर दिए हुए हैं यहीं से आप फ्लूड वगैरह जो है आप लेवल वगैरह चेक करना चाहें तो कर सकते हैं वॉशर वाइपर का फ्लूड यहाँ पर दिया हुआ है काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है इस इंजन की यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी स्पेस दी गई है रेडिएटर से इंजन के बीच में तो ये है दी ऑल न्यू किया सोनेट एच टीके के प्लस वेरियंट आई होप आप लोगों को ये यूजफुल लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर देना मैं का बाइक स्कूटर्स की न्यूज रिव्यूज वाली वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ मिलता हूँ कल इसी अगली वीडियो में तब तक के लेकर Bye bye, have a nice day and half nice drive safe.